अपने कार्यकाल के एक साल पूरा कर रही है और इस मौके पर सरकार अपने एक साल के कार्यकाल की उपलब्धि राज्य की जनता को बताने की तैयारी में है। इसके अलावा कई योजनाओं की सौगात भी देने जा रही है। मुख्यमंत्री अपने सरकार के एक साल पूरा होने पर झारखंड की जनता को नई पर्यटन नीति की सौगात भी देने जा रहे हैं, जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएं भी होंगी। सूबे में बढ़ेगा रोजगार, नई पर्यटन नीति है तैयार, सालगिरह पर सौगात देगी सरकार। आने वाले 29 दिसंबर को हेमंत सरकार के कार्यकाल की पहली सालगिरह है। अपने कार्यकाल के एक साल पूरे होने पर सरकार अपनी उपलब्धियों को राज्य की जनता को बताने की तैयारी में है। साथ ही इसके अलावा कई योजनाओं की सौगात भी देने जा रही है। मुख्यमंत्री अपने सरकार के एक साल पूरा होने पर झारखंड की जनता को नई पर्यटन नीति की सौगात देने वाले हैं। इसमें रोजगार की अपार संभावनाएं होंगी। नई पर्यटन नीति में टूरिज्म के अलग अलग आयाम बताए गए हैं, जिसमें इको टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, वीकेंड गेटवेज टूरिज्म, हेल्थ टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, कल्चर एंड फूड टूरिज्म शामिल है। इसके साथ ही कई तरह के टूरिज्म को प्रमोट करना है। नई पॉलिसी में रिक्रिएशन पार्क, डेस्टिनेशन वेडिंग टूरिज्म को भी विकसित किया जा रहा है और झारखंड के रूरल कल्चर को भी। कोरोना काल में लोग घर से दूर नहीं जाना चाहते हैं, ऐसे में झारखंड सरकार की नई टूरिज्म पॉलिसी में लोगों के आसपास ही पर्यटन वाला माहौल देने की कोशिश की जाएगी। जो नया टूरिज्म पॉलिसी आ रहा है, वो टूरिज्म पॉलिसी दो तरह से डिफरेंट है पुरानी पॉलिसी से। एक तो इसमें टूरिज्म के कई तरह के आयाम बताए जा रहे हैं, जैसे कि इको टूरिज्म, उसके अलावा वेलनेस टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, वीकेंड गेटअवेज, हेल्थ टूरिज्म। हेमंत सरकार की नई टूरिज्म नीति पर उनके कैबिनेट के मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि टूरिज्म की झारखंड में अपार संभावनाएं हैं। बीच में कानून व्यवस्था गड़बड़ाई थी, अब उसमें सुधार हो रहा है। कानून व्यवस्था अच्छी रहेगी तो सुरक्षा का भाव लोगों में होगा, जिससे टूरिज्म से रोजगार की अपार संभावनाएं बढ़ेंगी। लेकिन कुछ स्थितियां बदली झारखंड बनने के समय से, अभी तो हुआ, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगर लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया हो जाएगा, सुरक्षा भाव आ जाएगा लोगों के बीच में, तो टूरिज्म से रोजगार की अपार संभावनाएं। सरकार की सालगिरह पर जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने अपनी सरकार की नई पर्यटन नीति को झारखंड के लिए वरदान कहा, तो मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने नई नीति को लेकर अभी से ही सियासत शुरू कर दी और इसे कॉरपोरेट को बढ़ावा देने वाला बताया। आप देखिए, हमारे इस राज्य से बहुत छोटा राज्य आपको सिक्किम मिलेगा, आपको गोवा मिलेगा, आपको दामन दीव मिलेगा, अंडमान मिलेगा। इन सब राज्यों में मुख्य आय जो है वो टूरिज्म ही है, और वो इतना हैंडसम है क्योंकि एक टूरिज्म से कई तरह के विकल्प खुलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सरकार को चाहिए था कि इसके लिए कमेटी में प्रस्ताव को लाए, विधानसभा में इसके लिए डिस्कस कराए, सारे माननीय विधायकों से राय हो, पक्ष विपक्ष सारे लोगों के राय आने के बाद अगर पॉलिसी लाती है तो समझ में आता है। लेकिन झारखंडियों के खिलाफ में, झारखंड के जो संरचना है, भौगोलिक बनावट है, उसके खिलाफ में अगर कोई नीति कानून बनता है, बाहर के लोगों को ला करके यहाँ अगर संरक्षण दिया जाता है, तो इसका हम लोग तो खुला खुला विरोध करेंगे। बहरहाल झारखंड सरकार की नई पर्यटन नीति के आने से यहाँ के युवाओं में रोजगार की एक संभावना जगी है और अगर ये कारगर साबित हुआ तो झारखंड के लोग अपनी मिट्टी की महक देश दुनिया में बिखेर पाएंगे और यकीनन यहाँ की आदिम संस्कृति